चलिए भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पे। सब हरियाली हरियाली है भाई, रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, जो की थीम्स थी उन पे शायद बाजार फिर से फोकस करे। तो ऐसे में कोई इंफ्रा में लार्सन एंड टूब्रो, डिफेंस में कोई HAL, डिस इन्वेस्टमेंट का सबसे कॉला कैंडिडेट जो है IDBI बैंक, कोई प्राज, कोई बलरामपुर चीनी, कोई HPCL जैसे स्टॉक्स, साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका कायाकल्प हुआ है पिछले 10 सालों में, इसको भी रडार पर रखेंगे। वैसे सरकारी बैंक एज अ स्पेस आज रडार पर रखिएगा। मॉस्चिप को सीडैक पुणे से एक तगड़ा ऑर्डर मिला। मॉइल ने फिर एक तगड़ा प्राइस इंक्रीज अनाउंस करा और अतुल ऑटो के जो मई सेल्स के नंबर्स हैं एक बार फिर से सॉलिड जंप देखने को मिल रहा है, इसलिए नीचे स्टॉक सूच खबरों वाला तड़का एंड कर दिया। ओके, पूरी तरीके से जो सरकार बनने वाली है जो भी जीत के आ रहे हैं उसके फोकस करते हुए रखा हमने यहाँ पे, तो डिफेंस में BEL रखिए, मुझे लगता है बेस्ट प्लेस ये है। कॉनकॉर एक डाइवेस्टमेंट का केस है, मेटल्स में NMDC, वुड आइडिया ये इस साल का इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है, एरेडा और स्टर्लिंग विल्सन में रखिएगा, सोलर मोदी जी के बहुत दिल के करीब है वो, इन्फोसिस और HDFC बैंक अगर इंडेक्स चलेगा तो इस पर फिर तेज़ी ज़रूर बनेगी, और IOC BPC, कच्चा तेल भी नीचे है और अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम भी रिलीज होंगे, तो मुझे लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए। तो चलिए जबरदस्त मुनाफे की तैयारी करते हैं, आज मुनाफे की तैयारी नहीं, जबरदस्त मुनाफे की तैयारी, और पूरी टीम आज 7 बजे से हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे और बहुत सारी थीम्स हैं, सब पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अनुज, एग्जिट पोल दिन भर रात में इसी सोचने में आ रहा था कि कल सुबह कैसे टीम बनेगी। कुछ भी पिक कर लो उसमें, कुछ भी पिक कर लो। गिफ्ट निफ्टी 23,500 और एक ना वो पिक्चर मेरे किसी, वो जो मैं पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, किसी फैन ने बना के भेजी थी, उसमें वो 23456 मेरा नाम लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने बाद में मुझे बोला कि उन्होंने इसमें एक और चीज़ ऐड करी थी 4 जून उस पिक्चर में, उसको दोबारा, हाँ उसमें 4 जून भी लिखा हुआ था, उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि शायद आज ही हो जाए। गिफ्ट निफ्टी तो उसके ऊपर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऑब्वियसली फ्यूचर्स के हिसाब से, तो फ्यूचर्स तो ऑलरेडी आपको हिसाब से दिख रहे हैं। और देखिए, अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं ना, आज मार्केट ने सुबह आपको वहाँ बहुत शानदार ट्रेड दी थी, वहाँ जहाँ खुले थे वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, मुझे लग नहीं रहा था कि 500 पॉइंट के गैप अप से मामला टिकेगा। मैं तो मतलब 1,500 पॉइंट का मेरा एक व्यू था कि 1,500 पॉइंट का गैप अप होगा, और खैर एक्चुअल नंबर्स कल आने हैं तो थोड़ा सा शायद एम्यूनेशन मार्केट कल के लिए भी रखना चाहे, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है विदाउट अ डाउट, लेकिन ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी थीम, एक बहुत बड़ा रिस्क आउट ऑफ द वे हुआ है, बहुत बड़ा रिस्क आउट ऑफ द वे हुआ है, डिस्कस करेंगे हम। लेकिन शुरुआत करते हैं फिर हेडलाइंस के साथ। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन और बहुत कुछ डिस्कस करने की, बहुत ग्राउंड कवर करना है हमें आज के बाजार खुलने से पहले, तो चलिए क्विकली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।